नमस्ते किसान भाइयों, आज बात करते हैं परवेश परवेश के जो आदमा कंपनी का कीटनाशक है, बहुत ही अच्छा कीटनाशक है। इसमें जो टेक्निकल आता है, दो टेक्निकल होने की वजह से ये कीटनाशक बहुत ही पावरफुल और अच्छे तरह से कीटों पर काम करता है। तो बात करते हैं इसकी पूरी डिटेल जानकारी में। परवेश में जो टेक्निकल आता है, दो टेक्निकल है इसमें। फिप्रोनिल आता है, एसिटामिप्रिड आता है। फिप्रोनिल जो 4% में आता है, एसिटामिप्रिड 4% में आता है, जो को आपको ये सी फॉर्म में मिलता है। इसका जो काम करने का तरीका है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है, यानी कि ये सभी कीटों पर लगभग काम करता है। यानी कि इसमें जो दो टेक्निकल है, फिप्रोनिल और एसिटामिप्रिड, आपको पता ही है एसिटामिप्रिड सकिंग पेस्ट पर बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है, और फिप्रोनिल थ्रिप्स से ऊपर और इलियो के ऊपर बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है, यानी कि उनको मारने का काम करता है। बात करते हैं इसका इस्तेमाल करने के बाद कौन कौन सी कीटों को ये अच्छी तरह से कंट्रोल कर लेगा। तो ज़्यादातर इसका इस्तेमाल कपास, मिर्च, धान इस फसलों में किया जाता है। कपास में जैसे कि माहू, तेला, सफ़ेद मक्खी, माइट्स यानी एफिड, जेसिड, थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई और माइट्स, इनके लिए बहुत ही अच्छा इसके रिजल्ट है, अच्छा कंट्रोल है। ये इस्तेमाल करने के बाद 4 या 5 घंटे में इसके रिजल्ट दिखेंगे और लंबे समय तक आपके फसल को कीटों से ये बचाता है। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल मिर्च में जो सफ़ेद मक्खी होती है, इसके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसके है, सफ़ेद मक्खी और एफिड्स के लिए। थ्रिप्स में भी ये काम करता है अच्छी तरह से, इसमें फिप्रोनिल होने की वजह से। हम इसका इस्तेमाल राइस, सोयाबीन, कपास, टमाटर, मिर्च, भिंडी, फ्लावर आदि फसलों पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डोज की बात करें तो 400 मिली प्रति एकड़ का इसका डोज है। इसकी कीमत की बात करें तो 250 मिली का पैक आपको 400 रुपये में लगभग मिल जाएगा। इसकी रिजल्ट ड्यूरेशन की बात करें तो इसके रिजल्ट कम से कम 10 से 12 दिन तक आपको मिलने को देखने को मिलेंगे। इसके साथ आप कोई भी फंगिसाइड, पीजीआर प्रोडक्ट, बायोस्टूलेंट या वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर भी मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। रेन फास्टनेस की बात करें तो 2 घंटे का इसका रेन फास्टनेस है, यानी कि 2 घंटे बाद बारिश आई स्प्रिंग के बाद तो भी रिजल्ट मिलेंगे। थैंक यू। आप जय किसान चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।